फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ एक ऐसी रेसिपी। जैसे गणपति बप्पा को मोदक प्रिय है, वैसे ही ये स्वीट भी बहुत प्रिय है। इसको पंचकाज्य बोला जाता है। बनाना बहुत आसान है, झटपट से बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रेसिपी। यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया है, 100 ग्राम मैंने गुड़ ले लिया है। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है ताकि फटाफट से ये घुल जाएगा। इसी बाउल से एक बाउल पानी ऐड कर लेंगे, गैस ऑन करेंगे, फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे, गुड़ को अच्छे से घुलने देंगे। बीच बीच में एक दो बार उलट पलट कर देंगे गुड़ को। गुड़ अच्छे से घुल चुका है, उतार लेंगे। यहाँ पे मैंने एक दूसरा पैन रख लिया है गैस के ऊपर। अब इसे छान लेंगे ताकि कुछ धूल मिट्टी, कुछ इम्प्योरिटी होगी तो वो निकल जाएगी। अब इससे हमें गाढ़ा और चिपचिपा चाशनी तैयार करना है। आप देख पा रहे होंगे चाशनी में काफ़ी बबल्स आने लग गए हैं। देखने से भी पता चल रहा है कि ये चिपचिपी और गाढ़ी हो चुकी है। तो उतार के इसे एक साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब एक पैन ले लिया है, पैन को अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तक पैन गर्म हो रहा है, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा। बेल बटन प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखा करें। पैन गरम हो चुका है, एक बड़ा चम्मच घी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 8 से 10 बादाम को कट कर लिया है, ऐड कर लेंगे। थोड़े से काजू को दो दो टुकड़ों में तोड़ लिया है। थोड़े से किशमिश ले लिए हैं। लो फ्लेम पे हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लेंगे। ड्राई फ्रूट्स के हल्के से कलर चेंज होने लग गए हैं, गैस को कर लेंगे ऑफ, उतार के एक साइड में रख लेंगे। यहाँ पे एक बाउल ले लिया है मैंने, इसमें मीडियम साइज के बाउल से 2 बाउल पोहा ऐड कर लेंगे, 1 बाउल ग्रेट किया हुआ ताज़ा नारियल, भुना हुआ ड्राई फ्रूट्स, तैयार की हुई गुड़ की चाशनी, छोटा सा टुकड़ा जायफल का ले लिया है यानी कि नटमेग, थोड़ा सा ग्रेट करके इसमें ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा इलायची पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये हमारा तैयार हो गया फटाफट से गणपति बप्पा का प्रिय भोग प्रसाद पंचकाज्या। तो आप भी इस तरीके से ट्राई कीजिए इस बार गणेश चतुर्दशी पे। बहुत ही टेस्टी बनता है। जायफल और इलायची पाउडर की खुशबू भी इससे बहुत अच्छी आ रही है। बनाने में कोई बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं लगता, ना ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो उम्मीद है आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।